नई हुकूमत नई असेंबली पंजाब असेंबली का पहला इजलास तख्ते पंजाब का ताज सजा सरदार उस्मान बुजदार के सर तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली में खुशी की लहर दौड़ गई। तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर अब्दुल अलीम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारी अक्सरियत से हमारा वजीर आला मुंतखब हुआ है, पंजाब की महरूमियों का खात्मा करेंगे। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपनी हुकूमत का आगाज किया, आज हमारे वजीर आला अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। अब्दुल अलीम खान का मजीद कहना था कि जनूबी पंजाब सूबा भी बनाएंगे। सूबा जो जनूबी पंजाब है वो शामिल है, इमरान खान ने अपनी कौम से वादा किया हुआ है, इमरान खान का जो वादा है वो सच्चा वादा है और इंशाल्लाह ताला हम जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाएंगे। पंजाब असेंबली में साबिक अपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद ने कहा कि तालीम और सेहत पर खुसूसी तौर पर काम करेंगे, मेगा प्रोजेक्ट्स पे पढ़ने की बजाय आम आदमी की जिंदगी के अंदर बेहतरी लेके आएंगे, पीने का साफ पानी पूरे पंजाब में फराहम करेंगे, सेहत तालीम और इंसाफ की फराहमी ये हमारे बुनियादी अहदाफ होंगे। हम अरबों रुपया फजूल किस्म के मंसूबों पर जाया करने की बजाय हमारी तमाम तवज्जो जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे होगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा महमूदुर रशीद का मजीद कहना था कि पंजाब की आवाम ने नून लीग को मुस्तरद कर दिया। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ आकिब तनवी, लाहौर न्यूज़।